वहां पर भी जब चेस करने आई युगांडा की टीम तो थोड़ी सी स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती नजर आई, लेकिन वहां पर अच्छी बल्लेबाजी जो है वो की है यहाँ पर, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आई। इसके अलावा अगर बात करें तो टीम जो है वो स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी लय में नजर नहीं आई थी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेसे बाऊ जो कि युगांडा के ही प्लेयर हैं और 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, 9 बॉल पर स्ट्राइक रेट जो है वो 55.5/6 का रहा, एक चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, कहीं ना कहीं टीम जो है वो कोलैप्स होती नजर आई थी। और पापुआ न्यू गिनी की ये दूसरी हार है। इसके अलावा बात करें तो टीम जो है वो ओवरऑल 77 रन पर ऑल आउट हो गई थी और चेस करने आई यहाँ पर युगांडा की टीम, और युगांडा की टीम को भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ रहा था। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे बड़ी पारी खेली है रिया चाट अली शाह ने, 33 बॉल पर 56 रन की पारी खेली, एक चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, 58.93 का स्ट्राइक रेट रहा है। और जब बात करें यहाँ पर बल्लेबाजी की तो बल्लेबाजी में भी पापुआ न्यू गिनी की टीम जो है वो एक के बाद सारे विकेट्स गिरते गए। यहाँ पर अगर मैं असद वाला की बात करूँ तो वो 0 रन पर आउट हुए। इसके अलावा दिनेश की बात करें तो वो भी 0 पर आउट हुए। साथ ही साथ यहाँ पर हीरी जो कि पीएनजी के ही प्लेयर है, 15 रन यानी कि सबसे ज्यादा रन इनके बल्ले से देखने को मिले, 15 रन की पारी खेली 19 बॉल पे और 78.95 का स्ट्राइक रेट रहा है, 2 चौके इनके बल्ले से देखने को मिले हैं। साथ ही साथ बात की जाए तो यहाँ पर अल्पेश जो है उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी है, युगांडा के ही प्लेयर कहे जाते हैं ये, 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट इन्होंने चटकाए, इकोनॉमी जो है वो 4.20 की रही है। तो कहीं ना कहीं इस गेंदबाज ने इम्प्रेस किया है, हालांकि टीम जो है वो थोड़ी सी स्ट्रगल करती, क्या बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती नजर आई थी युगांडा की टीम की भी, क्योंकि युगांडा की टीम भी स्टार्टिंग में विकेट्स गिरे उनके और स्टार्टिंग के बल्लेबाज 0 पर आउट हुए। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर सिमोन भी 1 रन बनाकर आउट हुए, रॉबिन्सन जो थे वो भी 1 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन यहाँ पर पारी को अच्छी लय में नजर आते दिखाई दी यहाँ पर रियाजात अली शाह ने जो कि 33 रनों की पारी खेली। इसके अलावा अल्पेश ने भी ज्यादा अच्छी पारी क्योंकि गेंदबाज कह जाते हैं, और वहां पर 8 रन की पारी खेली, और झुमा ने इनका साथ दिया रियाजात का। तो टीम जो है वो स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि टॉस जीतकर यहाँ पर युगांडा की टीम ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, ये फैसला आई थिंक थोड़ा सा जो था फेवर में नजर आया युगांडा की टीम को क्योंकि 77 रन पर टीम ने पीएनजी को आउट कर दिया था। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पर टीम जो है वो अच्छी लय में नजर नहीं आई। अगर मैं पीएनजी की बात करूँ तो दूसरी जो है वो हार है, इससे पहले भी हार का सामना करना पड़ा था इस टीम को। युगांडा की बात करें तो युगांडा की टीम भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कोलैप्स होती, क्या बहुत ज्यादा कोलैप्स होती नजर आई थी। स्टार्टिंग के मैचेस की बात करें वहां पर भी अच्छी लय में टीम नजर नहीं आई थी। साथ ही साथ अल्पेश की बात करें तो अल्पेश ने यहाँ पर 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट चटकाए। इसके अलावा नजर डाले यहाँ पर दिनेश की बल्लेबाजी पर तो वो भी 0 रन बनाकर आउट हुए, युगांडा के ही बल्लेबाज ये माने जाते, 3 रन बना 3 बॉल पे 0 रन की 0 रन बनाकर आउट हुए। वहीं पर अगर बात करें यहाँ पर अल्पेश की तो अल्पेश ने भी 8 रन बनाए, 10 बॉल का सामना किया, स्ट्राइक रेट जो है वो 80 का था, एक चौका इनके बल्ले से देखने को मिला। साथ ही साथ बात करें तो रोजर जो थे उन्होंने भी 0 वो भी 0 पर आउट हुए 3 बॉल खेलकर। तो कहीं ना कहीं टीम जो है वो युगांडा की भी स्ट्रगल करती नजर आई थी। हमने देखा था कि वहां पर अगर बात करें तो अगर यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी अगर किसी ने भी की है तो वो आई थिंक करी है यहाँ पर रियाजात अली शाह ने, जिन्होंने 33 रनों की शानदार पारी खेली, हालांकि आउट हो गए, वो 56 बॉल पर 33 रनों की पारी खेली, एक चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। साथ ही साथ स्ट्राइक रेट की बात करें तो 58.93 का स्ट्राइक रेट रहा है। इसके अलावा दूसरा मैच जो है वो भी खेला जा रहा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान के बीच में मैच खेला गया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अच्छी बल्लेबाजी की, स्टोइनिस ने कमाल की बल्लेबाजी की, इसके अलावा डेविड वार्नर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। साथ ही साथ बात की जाए तो वहां पर पहला विकेट जो गिरा वो ट्रेविस हेड का था, जो कि बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन स्टोइनिस की बल्लेबाजी हालांकि ऑलराउंडर कह जाते हैं और अच्छी बल्लेबाजी जो है वो करते नजर आए। वर्ल्ड कप जब जब भी होता है स्टोइनिस का बल्ला हमेशा चलता है, और बात जब वर्ल्ड कप की हो तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया की टीम कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा बैलेंस नजर आती है, और टीम जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लय में नजर आई थी। 165 रन की पारी खेली और यहाँ पर 166 का चेस दिया है ओमान की टीम को। तो इस टीम ने अपने आप को प्रूफ किया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो ये पापुआ न्यू गिनी की बात करूँ तो ये उनकी लगातार दूसरी हार है, इससे पहले भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।
युगांडा की टीम कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी लय में नजर आई, हालांकि टीम दोनों ही टीम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती नजर आई। पिच की बात करें तो गुयाना में ये मैच खेला गया जो पिच काफी ज्यादा स्लो नजर आई। बात अगर यहाँ पर टीम की करें तो टीम जो है वो कोलैप्स हुई थी स्टार्टिंग में भी, हमने देखा था कि जब जैसे ही यहाँ पर बल्लेबाजी आई पापुआ निगिनी की तो टीम जो है वो कोलैप्स होती नजर आई, स्टार्टिंग में ही सारे विकेट्स गिरते गए। इसके बाद बात की जाए यहाँ पर युगांडा की टीम की तो युगांडा की टीम भी कोलैप्स होती नजर आई, स्टार्टिंग में भी उनके विकेट्स गिरे 0 रन पर, कई सारे बल्लेबाज जो है वो आउट हुए। रियाजात अली शाह ने अच्छी पारी खेली, 33 रनों की पारी खेली, 58 बॉल पर एक चौका उनके बल्ले से देखने को मिला और 3 विकेट से यहाँ पर युगांडा की टीम को जीत का सामना करना पड़ा। और पापुआ न्यू गिनी की ये दूसरी हार है तो कहीं ना कहीं टीम जो है वो अच्छा प्रदर्शन करती नजर नहीं है। पिच भी कहीं ना कहीं स्लो होती नजर आई और पिच अगर स्लो होती है तो डेफिनेटली वहां पर बल्लेबाजी करना काफी ज्यादा टफ हो जाता है। चाहे हम इंडिया की बात करें, कल का मैच आपने देखा होगा, वहां पर भी पिच काफी ज्यादा स्लो थी और उसके बावजूद भी चली यहाँ पर टीम इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया, 8 विकेट से इस मैच को अपने नाम किया। पहला मैच इंडिया का था आयरलैंड के साथ और आयरलैंड की टीम अपने आप में हम कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ वो जीत कर आई थी, तो छोटी टीम को हमें कभी भी छोटी टीम को कम आंकना नहीं चाहिए। और वहां से आयरलैंड की टीम भी स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा कम बैक कर रही थी क्योंकि विराट कोहली कहीं ना कहीं संघर्ष करते नजर आए थे, 1 रन बनाकर आउट हुए विराट कोहली। इसके बाद रोहित शर्मा ने अच्छी पारी खेली, पारी को बड़ी पारी में तब्दील किया, 50 आई उनके बल्ले से और रिटायर्ड हर्ट हुए, कंधे में उन्हें चोट लगी, बॉल लगी। उसके बाद हालांकि कंडीशन बहुत सही है उनकी, पाकिस्तान के साथ वो आपको खेलते नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पिच जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बाउंस थी वहां पर और बाउंस देखने को मिल रहा था। और पिच स्लो होती है तो बल्लेबाजी करने में भी थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ये सामना जो है वो भारतीय टीम को भी करना पड़ा। इससे पहले भी कई सारे मैचेस जहां पर हुए थे वहां पर भी बल्लेबाजी थोड़ी सी टफ नजर आई, वहीं गेंदबाजों को ज्यादा यहाँ पर मदद मिलती दिखाई दी है। चाहे टीम इंडिया की बात कर लीजिए, चाहे इसके पहले जितने भी मैचेस उसकी बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं गेंदबाजी यहाँ पर ज्यादा बेटर हुई है। और ये मैच पापुआ न्यू गिनी और स्लो नजर आई, आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर टॉस जीता युगांडा की टीम ने बॉलिंग करने का फैसला किया, फैसला बिल्कुल सही था। स्ट्रगल करती बहुत ज्यादा नजर आई पीएनजी की टीम में, सारे के सारे जो खिलाड़ी थे वो 77 रन पर ऑल आउट हो गए। ऑल आउट होने के बाद वहां पर 78 रन का चेस करना था यहाँ पर युगांडा की टीम को, लेकिन युगांडा की टीम भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करती नजर आई। बात अगर यहाँ पर बल्लेबाजी की करें तो बल्लेबाजों ने, आई थिंक रियाजात अली शाह ने अच्छी बल्लेबाजी की, इसके अलावा किसी का बल्ला नहीं चला। पीएनजी की बात करें तो यहाँ पर हीरी हीरी जो कि खिलाड़ी है पापुआ न्यू गिनी की, 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं 19 बॉल पर, स्ट्राइक रेट जो है वो 78.95 का रहा है, 2 चौके इनके बल्ले से देखने को मिले। इसके अलावा अल्पेश की बात की जाए तो अल्पेश ने यहाँ पर 4 ओवर किए और 17 रन दिए, 2 विकेट बड़े विकेट इनके खाते में आए, 4.20 का इनका इकोनॉमी रेट रहा है। इसके अलावा सेसे बाउ की बात करें तो 5 रन देकर 9 विकेट, माफ कीजिएगा, 5 रन बनाए इन्होंने 9 बॉल पे, 55.50 का स्ट्राइक रेट रहा है, 1 चौका इनके बल्ले से देखने को मिला है। इसके अलावा दिनेश की बात करें तो दिनेश भी यहाँ पर खाता नहीं खोल पाया, 0 रन बनाकर आउट हुए 3 बॉल पर। साथ ही साथ यहाँ पर अल्पेश जो है वो गेंदबाजी के साथ ही साथ बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, 8 रन इन्होंने बनाए 10 बॉल पे, 80 का स्ट्राइक रेट था, 1 चौका इनके बल्ले से देखने को मिला। इसके अलावा रोजर की बात करें तो रोजर जो थे वो भी 0 पर आउट हुए, हालांकि टीम जो है वो भले ही जीते यहाँ पर युगांडा की, लेकिन टीम कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती नजर आई। हर एक पिच की बात करें तो वहां पर पिच थोड़ी सी ज्यादा टफ कंडीशन कहीं ना कहीं टीम के लिए रही है। चाहे हम बात करें यहाँ पर वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, इसके अलावा भारतीय टीम का जो मैच हुआ था कल के मैच में, वहां पर भी हमने देखा था कि पिच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्लो नजर आई और जब स्लो विकेट होती है वहां पर कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करना बहुत ज्यादा ही टफ हो जाता है, टीम स्ट्रगल करती बिल्कुल नजर आई है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी की तो इस टीम की जो है वो ये दूसरी